जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डेली ब्लॉग का 157 यानी 157 दिन और आज है संडे। तो आज का हमने प्रोग्राम बनाया तो है शाम को घूमने जाने का रानी बाग मार्केट में, लेकिन देखते हैं मौसम ठीक ठाक रहा। वैसे अभी तो ठीक ठाक है मौसम, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, देखते हैं जैसा भी रहेगा चलेंगे ज़रूर। A few moments later. लंच टाइम हो गया और नब्बू को देखो सारा फिका दिया उसने खाना। नब्बू आप कैसे खा रहे हो खाना? खाना खाओ, खाना खाओ, बाती खाओ बाती। हाँ शाबाश। तो अभी बस लंच करके थोड़ी देर बैठे ही हैं और अब हम जा रहे हैं नब्बू के बाल कटवाने के लिए। मैं भी अपनी थोड़ी दाढ़ी कटवा लूँगा। नब्बू बाल कटवाए आपके? बिल्ली कैसे करती है बेटा? नमो म्याऊ। कैसे करती बिल्ली? आई या आई बोलती है? आई। कैसे करती बिल्ली? आई। चलिए भैया अब चलते हैं हम लोग। आ जाओ नब्बू, चलो आपके बाल कटवाएंगे आज। नब्बू को गंजा करवाएंगे, पापा की तरह बना देंगे नब्बू को। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। छतरी लाई हो ना? हाँ लाई तो हूँ। नब्बू क्या हो रही है? बारिश बारिश कैसे बोलते बारिश? मेरे को ऐसे लेके बैठना पड़ता है नब्बू को। अब तेरे बाल काटेंगे, चल ठीक है? रेडी? नब्बू के बाल तो कट गए भैया, अब पापा के बाल कटेंगे। ये कौन है नब्बू? कौन है? चल जाओ, अब तुम जाओ मम्मी के साथ घर जाओ। नहीं पहचान दी क्या अपने आपको? तो हेयर कट एंड शेविंग करके मैं आ गया था। अब लगभग 5 बज गए और शाम का समय हो गया। दिव्या एंड नव्या तो आराम कर रहे हैं। आज की हमारी जो भी प्लानिंग थी बाहर जाने की वो हो नहीं पाई, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम बारिश वाला बना हुआ है और बच्चों के साथ मेरा मन कर नहीं रहा था कि उनको ले जाऊँ बारिश के टाइम पर, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से हमारी तबीयत ठीक हुई है सभी लोगों की। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे, जब मौसम वगैरह सारा साफ़ हो जाएगा ना अच्छे तरीके से, तभी चलेंगे घूमने के लिए। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम तो बन नहीं पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे वर्कआउट किया जाए। काफ़ी टाइम से हमने वर्कआउट भी नहीं किया, अब धीरे धीरे वर्कआउट की स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि अब तबीयत ठीक हो गई है ऑलमोस्ट। चलिए काफ़ी दिनों बाद वर्कआउट कर रहा हूँ ना, 10 किलो का वेट भी ऐसा लग रहा है जैसे 20 किलो का होगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है भाई, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, करा करो आप भी। फाइनली वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा नहीं करा, आधा पौना घंटा ही करा, क्योंकि पहला दिन है, ज़्यादा भी करूँगा तो कहीं दर्द होने लग जाए। वैसे उतना दर्द हुआ नहीं क्योंकि मैं एकदम से बहुत दिनों के लिए नहीं छोड़ता हूँ, कुछ कुछ दिन बीच बीच में करता रहता हूँ, तो उतना ज़्यादा दर्द होगा नहीं। चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं। नव्या का भी हमने बाल उतरवा दिए थे, दोबारा से उसको गंजा करवा दिया है, अभी तो वैसे सो रही है लेकिन आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह करके हम लोग नीचे आ गए थे। दिव्या तो गई है सब्जी लेने मार्केट में और नब्बू अभी मेरे साथ खेल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी मैडम और देखिए नब्बू भी पापों की तरह हो गई गंजी गंजी। आ जाओ बेटा, चल नीचे चलते हैं दादू के पास। आजा आजा पापा पास आजा, आजा आजा बच्चा, शाबाश। चलिए भैया अब नीचे चलते हैं, दोनों पापा बेटी गंजे हो गए। नव्य के ना हमने बाल हटवा दिए जो कि थोड़े से हल्के हैं नव्य के बाल, इसलिए अब अगली गर्मियों में फिर ढंग से निकलवाएंगे, 2-3 बारी तब जाके अच्छे से। फिर गंजू पढ़ाई कर रहे, क्या कर रहे? आ गई नब्बू, ये कैसी पढ़ाई हो रही है बेटा?
चलिए जी, अब नब्बू का खाना खाने का टाइम हो गया, अब नहीं करेगी मैडम, कार्टून के साथ ही खाना खिलाना पड़ेगा इसको। नब्बू खाना खाए, खाना खाए, उई गिरना नहीं, खाना का गिराना नहीं, चलो। तो डिनर बन के तैयार है और आप करते हैं डिनर। नब्बू तो अपना डिनर बिल्कुल भी नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए, रोए जा रही, खाने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए मैंने खिलाया भी नहीं इसको, ज़बरदस्ती खिला के भी कैसे फ़ायदा। चलिए हम लोग अब डिनर करते हैं और साथ ही इस वीडियो को भी एडिट करेंगे और आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।